जिम्नोस्पर्म के बारे में कि जो जिम्नोस्पर्म है ये दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है, एक है जिम्नो, एक होता है स्पर्मा। जिम्नो का मतलब होता है नेग्र और स्पर्मा होते हैं सीड्स, यानी ऐसे प्लांट जिसके अंदर सीड तो बनते हैं लेकिन वो किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर कवर्ड नहीं रहते। जैसे एंजियोस्पर्म जो प्लांट है इसके अंदर जो सीड है वो किसी स्ट्रक्चर के द्वारा कवर्ड रहते हैं, यानी फ्रूट के अंदर सीड होते हैं, बट इसके अंदर जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता, इसके अंदर जो सीड होते हैं वो ओपन ही प्रेजेंट रहते हैं। फिर एक टर्म आता है स्पर्मो, स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मा का मतलब होता है सीड और फाइट का मतलब प्लांट है, ऐसे प्लांट जिसके अंदर सीड बनते हैं। तो इनको हमने दो सब रीजन में डिवाइड किया स्पर्मेटोफाइट्स को, इसके अंदर दो सब रीजन आते हैं, एक आता है एंजियोस्पर्म, एक आता है जिम्नोस्पर्म। और एक टर्म आता है फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स का मतलब होता है विदाउट ओवरी, यानी कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है इनके अंदर ओवरी जो है ये एब्सेंट रहती है। ओवरी किस में प्रेजेंट रहती है? एंजियोस्पर्म प्लांट में। ये जो टर्म है जिम्नोस्पर्म ये किसने दिया था? थियोफ्रेस्टस ने दिया था, एंक्वायरी इंटू प्लांट इनकी एक बुक थी जिसमें इन्होंने जिम्नोस्पर्म टर्म को यूज किया था। फिर आता है ओरिजिन कब हुआ था, कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है इनका ओरिजिन हुआ था पैलियोजोइक एरा में, और मीजोजोइक जो एरा था इसके बाद में आता है, तो इनका जो नंबर था इसमें बढ़ गया था। इसमें भी कौन सा था? जुरैसिक पीरियड और क्रिटेशियस पीरियड के अंदर इनका नंबर बहुत ही ज़्यादा हो गया था। अब बात करें फादर की, तो फादर ऑफ जिम्नोस्पर्मोलॉजी कौन है? सीजे चैम्बरलेन, चार्ली चैम्बरलेन नहीं है, चैम्बरलेन। फिर आते हैं फादर ऑफ इंडियन जिम्नोस्पर्मोलॉजी, पियो डोगरा। बात करें जो मेन प्लांट बॉडी अगर देखें तो जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। जो एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट, इनके अंदर मेन जो बॉडी होती है प्लांट बॉडी वो गैमेटोफाइट होती है। स्पोरोफाइटिक प्लांट जो बॉडी होती है वो रूट, स्टेम और लीव्स, ये तीनों स्ट्रक्चर पाई जाती हैं प्लांट के अंदर। जो मोस्ट ऑफ प्लांट होते हैं अगर उनको देखें तो वो ट्री होते हैं, यानी कि रूट, स्टेम और लीव्स होती हैं, थैलोफाइट नहीं होते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे इफिड्रा हो गया ये सर्ब्स होता है, जैमिया हो गया और वेलमिक्सिया जो है ये स्मॉल होता है, और जो निटम है ये लेना यानी बेल पाई जाती है इसके अंदर। अब अगर देखें तो अभी इन सबको हम डिटेल से देखेंगे, रूट कैसा होता है, स्टेम कैसा होता है, लीव्स कैसी होती है। अब देखें तो रूट, सूट यानी स्टेम और लीव्स कैसी पाई जाती हैं, तो अगर रूट देखें तो नॉर्मल रूट ही प्रेजेंट रहती हैं। तो रूट की में अगर बात करें जिम्नोस्पर्म प्लांट की, एक होता है साइकस और दूसरा है पाइनस। तो जो साइकस है, साइकस प्लांट की रूट में एल्गी जो है उनका एसोसिएशन अपने को देखने को मिलता है, तो इनको हम बोलते थे इस टाइप की रूट जो होती है उसको कोरिलोइड रूट बोलते हैं। जो पाइनस प्लांट है उस पाइनस प्लांट के अंदर जो फंगस है उनका एसोसिएशन देखने को मिलता है, तो इसको बोलते हैं अपन माइकोराइजा, माइकोराइजल एसोसिएशन। एक पॉइंट क्लियर हुआ रूट का। अब दूसरा देखिए स्टेम की, जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है उनके अंदर स्टेम जो है वो कैसा देखने को मिलता है अपने को, तो स्टेम जो है उसकी अगर बात करें तो उस पर पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। अगर इसकी एनाटॉमी देखें तो कोर्टेक्स जो एरिया होता है स्टेम का उसमें स्टार्ची ग्रेन और टैनिन सेल्स पाई जाती हैं जो टैनिन का सिक्रीशन करेंगी। फिर बात करें अपन लीव्स की, तो जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर दो टाइप की अपने को लीव्स देखने को मिल गई हैं, एक तो होती हैं फोलिएज लीव्स, एक होती हैं स्केली लीव्स। फोलिएज जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं, इनकी फोटोसिंथेसिस करने का काम करेंगी, सिंपल होती हैं, निडिल होती हैं। और अगर बात करें स्केली लीव्स की, तो स्केली जो लीव्स होती हैं माइन्यूट होती हैं और डेसिडुअस टाइप की होती हैं, ये इफिड्रा के अंदर पाई जाती हैं स्केली लीव्स। फिर बात करें जब स्टेम जो अपन देखते हैं ना, तो उसके ऊपर जो लीव्स हैं ये जब गिर जाती हैं लीव्स, तो यहाँ पर कुछ निशान से अपने को देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया ऐसे, तो अपने को इस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। फिर बात करें अपन इसकी स्टेम की, तो स्टेम वाला जो एरिया है स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी अपने को देखने को मिलेगी। सेकेंडरी ग्रोथ क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि इसकी जो में कैम्बियम प्रेजेंट रहती है, कैम्बियम प्रेजेंट है तो इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी हो सकती है। फिर बात करें तो इसके अंदर ओपन मैक्सिमल बंडल पाए जाते हैं। ओपन किसको बोलते हैं अपन? जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट रहती है, तो इस टाइप के वैस्कुलर बंडल को अपन बोलते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल। तो देखिए जाइलम के अंदर जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है वो जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट रहता है, ट्रैकीट्स भी प्रेजेंट रहती हैं, और जो वेसल्स होती हैं वेसल्स से जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट रहती हैं। इसका भी एक्सेप्शन है कि जो निक्टम हो गया, इफिड्रा हो गया, वेलवेट्स या इनके अंदर जो ये वेसल्स हैं ये प्रेजेंट रहती हैं। वैसे जिम्नोस्पर्म और जो भी जिम्नोस्पर्म प्लांट बच गए उनके अंदर जो वेसल्स होती हैं वो एब्सेंट रहती हैं।
फिर बात करें अपन फ्लोएम की, तो जो फ्लोएम है इसके अंदर कंपेनियन जो सेल्स हैं ये एब्सेंट रहती हैं, बट इसके भी कुछ एक्सेप्शन है कि जो नीटम प्लांट है इसके अंदर कंपेनियन जो सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। इसके अलावा फ्लोएम के और कौन कौन से पार्ट हैं, एक होती है सेवी ट्यूब्स, एक होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो इसके अंदर सेवी ट्यूब्स प्रेजेंट रहती हैं, सेवी सेल्स नहीं रहती, फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट रहता है। फिर ये बच गया कि संकन स्टोमेटा तो पाए जाते हैं, संकन स्टोमेटा लीव्स में पाए जाते हैं, एपिडर्मिस के अंदर क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है, ये इनका हो गया जीरोफाइटिक करैक्टर। ठीक है, हमने देख लिया रूट, सूट, लीव्स। लीव्स दो टाइप की देख ली, फोलियस लीव्स होती हैं और स्केलेट लीव्स होती हैं। उसके बाद देखे थे कि उसके अंदर संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं लीव्स के अंदर, जो कि क्या होता है जीरोफाइटिक करैक्टर है। इसके बाद में देखें जो लीव जो होती है इसके अंदर लेटरल वेंस नहीं पाई जाती। जब अपन एंजियोस्पर्म में देखते हैं ना कि जो लीव जो है उसमें साइड में से वेंस दिखाई देती हैं अपने को, जो वाटर की सप्लाई करके जाती हैं, बट जो एंजियोस्पर्म है इसके अंदर साइड वाली जो वेंस होती हैं ये एब्सेंट रहती हैं। तो साइड में जो वाटर की सप्लाई कौन करेगा, तो लेटरल वेंस के जगह पर कुछ ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाए जाते हैं जो वाटर की सप्लाई करके जाते हैं लेटरल वाले एरिया के अंदर। फिर हम देखें तो वुड की बात करें तो जो वुड होती है वो किस टाइप की होती है, दो टाइप की वुड पाई जाती है, एक तो होती है मेनोजाइलिक होती है, एक होती है पिक्नोजाइलिक। फिर मेनोजाइलिक वुड के अंदर क्या होता है कि जब अपन इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे ना एनाटॉमी खोल के, तो बीड्स वाला जो एरिया होता है उसमें पिक पाया जाता है, पिक के बाद में जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल वाला एरिया ये सब प्रेजेंट रहते हैं। तो जो मोनोजाइलिक वुड होती है उसमें पिक वाला जो एरिया है ये अधिक मात्रा में पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है। जब पिक ज़्यादा पाया जाता है तो इस वुड टाइप की वुड को अपन बोल देते हैं सॉफ्ट वुड। इसका एग्जांपल हो गया साइकस, पाइनस। अगर इसकी बात करें पिक्नोजाइलिक की, तो इसमें जो ये पिक वाला एरिया है ये कम प्रेजेंट रहता है, तो इसको अपन बोल देते हैं हार्ड वुड। हार्ड वुड वाला या फिर पिक्नोजाइलिक का एग्जाम्पल हो गया अपना पाइनस। फिर अपन देखें कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है उसके अंदर जो स्पोर वगैरह बनते हैं वो हेट्रोस्पोरस प्लांट होता है। तो हेट्रोस्पोरस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोस्पोर बन रहे हैं और दूसरे टाइप के मेगास्पोर बन रहे हैं। माइक्रोस्पोर कहाँ पर बनते हैं, जो लीव्स हैं ये लीव्स, इनको अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। इसी टाइप से होंगी मेगास्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरो जो फिल होता है उसके ऊपर लगी होंगी माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी इनके अंदर आगे चल करके मेगास्पोर बनेंगे। देखो माइक्रोस्पोर कहाँ बनेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया में, और माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर। तो ये आगे चल करके एग्रीगेशन होगा और एग्रीगेशन होकर के ये आगे बना लेंगे मेल कोन। इसी टाइप से होता है मेगास्पोर। मेगास्पोर कहाँ बनेंगे, मेगास्पोरेंजिया के अंदर। मेगास्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होगी, मेगास्पोरोफिल के ऊपर। ये भी आगे चल करके एग्रीगेशन के द्वारा फीमेल कोन बना लेंगी। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसके अंदर केवल एक कोन एक ही प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसके अंदर ग्रुप के अंदर कोन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, आप देखें कि एक टर्म आता है बाई स्पोरेंजिएट, कुछ होते हैं मोनो स्पोरेंजिएट। तो बाई स्पोरेंजिएट का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है दो, स्पोरेंजिएट मतलब स्पोरेंजिया की बात चल रही है। तो बाई स्पोरेंजिएट का मतलब क्या होता है कि जिसमें माइक्रो स्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया दोनों एक ही प्लांट के में प्रेजेंट और एक ही साथ प्रेजेंट हो, उनको अपन बोल देते हैं बाई स्पोरेंजिएट। मोनो स्पोरेंजिएट क्या होते हैं, जिसमें माइक्रो और जो मेगा स्पोरेंजिया है वो अलग अलग प्रेजेंट हो, साथ में प्रेजेंट नहीं हो, तो उनको अपन बोल देते हैं मोनो स्पोरेंजिएट। अब अगर बात करें एक टर्म आता है मोनोसियस और एक आता है डायोसियस। मोनोसियस में क्या होता है कि जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही जो भी सेक्स ऑर्गन है एक ही प्लांट के अंदर पाए जा रहे हैं, तो उनको अपन बोल देते हैं मोनोसियस। और डायोसियस का मतलब जिसमें अलग अलग प्रेजेंट हो, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्रेजेंट हो, तो उनको अपन बोल देते हैं डायोसियस। एग्जाम्पल अगर देखें तो इसका हो गया इफिल्ट्रा बाई स्पोरेंजिएट का, और मोनोस्पोरेंजिएट में अगर देखें तो माइक्रो और मेगा स्पोरेंजिया जो है प्रेजेंट सेम प्लांट के अंदर तो प्रेजेंट है, बट ये साथ साथ में होकर के एक इधर हो एक इधर हो, तो इसका एग्जाम्पल हो गया पाइनस। और जब डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के अंदर प्रेजेंट हो तो उसका एग्जाम्पल हो गया अपना साइकस प्लांट। अब अपन देख लेते हैं कि जो मेल गैमेटोफाइट है वो कैसे बना। तो जो माइक्रोस्पोर हैं, माइक्रोस्पोर मैंने बताया था कि माइक्रोस्पोर कहाँ बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पर लगी होती है, माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर।
तो देखो माइक्रोस्पोर जो फिल है इसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया बनी है, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे म्यूसिस डिवीजन के द्वारा माइक्रोस्पोर। तो म्यूसिस डिवीजन हुआ तो माइक्रोस्पोर अपने कैसे हो गए, एन वाले एन टाइप के। जब इसमें माइटोसिस होगा इस माइक्रोस्पोर के अंदर तो अपना सेल का नंबर बढ़ाएगा, सेल का नंबर बढ़ा लिया इसने अपना, तो एक जो सिंगल सेल होगी उसको अपन बोल देते हैं गैमेट। जब इसने माइटोसिस करके अपना सेल का नंबर बढ़ा लिया तो इसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बन गई, तो इसको सभी सेल्स को अपन बोल देते हैं मेल गैमेटोफाइट, या इसका दूसरा नाम होता है पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन जो है विंड के द्वारा फीमेल गैमेटोफाइट के पास में जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, जाइकोट बनेगा, जाइकोट जर्मिनेट करेगा, नया प्लांट बनाएगा।